नमस्कार। जब मैं कोचिंग से आया और रात्रि में भी न्यूज को देखा था, और कोचिंग से आने के बाद जब न्यूज को पूर्णतः समझा, पेपर में देखा, अब वायरल हुआ था। बिहार के विद्यार्थी, दानापुर के रहने वाले थे, उनके साथ किस ढंग से दुर्व्यवहार किया जब वेस्ट बंगाल में परीक्षा देने गए थे। तब हम उस घटना को भी याद आ गया जो ऐसे 20-25 साल पहले बाल ठाकरे हुआ करते थे। रेलवे की परीक्षा थी, मेरे कोचिंग संस्थान के काफ़ी लड़के रेलवे की परीक्षा देने गए थे, परीक्षा नहीं देने दिया गया और उसको मारपीट किया गया। महाराष्ट्र में भी इसी ढंग से घटना घटती थी, लड़कों के साथ मारपीट, क्षेत्रता के लेकर प्रश्न का उठना। बिहार की भी कल परसों जो घटना हुई, वह घटना दिल को पूर्णतः दुखित कर दिया। बिहार में जब टीचर की बहाली होती है, उत्तर प्रदेश के लड़के आते हैं, मध्य प्रदेश के लड़के आते हैं बहाली देने, परीक्षा देने के लिए, आज तक कोई भी घटना नहीं घटी कि बाहरी लड़कों को मार पीट किया जाए। लेकिन बिहार के लड़के दूसरे प्रोविंस पे जाते हैं तो घटना घटती है। नीतीश कुमार को स्वयं इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, और नीतीश कुमार के संज्ञान लेकर और वहाँ बातचीत करनी चाहिए ममता बनर्जी को। कहा जाता है कि लालू प्रसाद खुद बात किए थे ममता बनर्जी से, उनका इसका इंटरव्यू सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी का। मृत्युंजय तिवारी ने बोला था कि लालू जी ममता बनर्जी से बात किए थे। अब बात करने के बाद वहाँ की पुलिस हरकत में आई थी, और हरकत में आने के बाद जो लड़के के साथ घटना घट किया था उसको अरेस्ट किया गया। यह घटना सिलीगुड़ी में हुई थी। घटना क्यों घटती है, इसका कारण क्या है? बिहार का सबसे अधिक पिछड़ापन, बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा, केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों नहीं विकास करती? बिहार के कहीं भी लड़के जाते हैं रोजी या रोटी के तलाश में तो मार खाते हैं। कितना शर्म की बात है, लड़के के कान धक्के उठी बैठी करवा रहा था। जब इसको मैं वीडियो देखा, आंख से आंसू आ गया कि लड़के को किस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है। और जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया सिलीगुड़ी पुलिस के हवाले, तो सीनातान का बोल रहा था कि उसका फर्जी सर्टिफिकेट है। समझना चाहिए, बिहार के कोई भी लड़का का फर्जी सर्टिफिकेट नहीं होता। बिहार मेहनत करने में सबसे बड़ी आगे है। बिहार के लड़के मेहनत पर विश्वास करते हैं, और दूसरे प्रोविंस में जाकर जब नौकरी लेते हैं तो कोई पैरवी से नौकरी नहीं लेते। उनकी मेहनत, उनकी कलम, उनकी ईमानदारी और उनकी लगनशीलता के कारण उनकी नौकरी होती है। और रेलवे की वैकेंसी निकली है, देखिएगा 70% के बिहार के होंगे, और 70% लड़के बिहार के होंगे, थोड़ा यूपी के होंगे, तनी मनी राजस्थान के होंगे। तो क्यों बिहार के लड़के होंगे, क्या कारण है? बिहार के लड़के मेहनती होते हैं, और जिस ढंग से बिहार के लड़कियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, सरकार के यहाँ पर कड़ी आपत्ति दर्ज करना चाहिए, और स्वयं सरकार को इस पर बोलनी चाहिए। अब बोलनी चाहिए, ठीक है, बोली है सरकार, देखिए उसकी प्रवक्ता की बात को, तो किसी पर दोषारोपण नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पर नहीं होकर डायरेक्ट वहाँ की जो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, उसे मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, और पेपर की हेडलाइन बनना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी से बात कर उस व्यक्ति को अरेस्ट कराया। अगर घटना इस ढंग से घटती है तो फिर इस पर अंजाम बुरा होगा, नहीं घटना चाहिए। भारत में क्या है, कहीं भी जाकर लोग परीक्षा दे सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी कमा और खा सकते हैं, कोई प्रतिबंध है क्या? कहीं नहीं प्रतिबंध है। फिर वेस्ट बंगाल क्यों रुकी? खैर है, सरकार इस पर एक्शन ली। हर जगह कुछ ना कुछ गुंडे तत्व के लोग होते हैं जो कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन अरेस्ट होने के बाद जब उसकी बोली को सुन रहे थे, लगता था उसे गलती किया ही नहीं, बिहार के लड़कों के साथ जो ऐसा किया वो अपने आप को सही आ रहा था। शर्म आना चाहिए उस आदमी को, और कहना चाहिए कि बंगाली आता है कि नहीं, अगर यहाँ कह दे कि भोजपुरी आता है कि नहीं, यहाँ कह दे मैथिली आता है कि नहीं,
तो फिर परीक्षा देने आते हैं। अभी हम जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो आप 10 लड़के बंगाल के हैं और जो यहाँ पर तैयारी करते हैं वेस्ट बंगाल के, मेरी कोचिंग में भी एक दो वो हैं तैयार करते हैं। यहाँ के लड़के को जब उसी ढंग से व्यवहार किया जाए तो कैसा लगेगी वहाँ की सरकार को? लेकिन बिहार के या संस्कार ही नहीं कि दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे प्रोविंस के लड़कों के साथ गलत व्यवहार करें। सोचना चाहिए ममता बनर्जी को, वहाँ की सरकार को सोचनी चाहिए। जो व्यक्ति सीना तान का बात कर रहा था उसको तो इतना कड़ी सजा देनी चाहिए, इतना कड़ी सजा देना चाहिए कि वह व्यक्ति हिमाकत न करे दूसरा वे कि कहीं ढंग से किसी भी अन्य प्रोविंस के लड़कों के साथ इन ढंग से व्यवहार करे। बड़ा शर्मिंदा है जी, बहुत ही घटना है, बड़ा निंदनीय घटना है, नहीं होनी चाहिए। इस घटना को मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ, इस घटना के प्रति मेरा काफ़ी आक्रोश है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।